गाइस आज हम देखेंगे प्लेटलेट काउंट, मैन्युअली प्लेटलेट काउंट कैसे करते हैं और उसका कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल कौन सा सैंपल यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या क्या मटेरियल लगता है, प्रोसीजर और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट काउंट हम हीमोसाइटोमेट्री यानी कि न्यूबर चेम्बर काउंटिंग से करते हैं। इसका प्रिंसिपल है ब्लड इज डाइल्यूटेड 1:200 विद द प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड एंड सेल्स आर काउंटेड अंडर हाई पावर 40x बाय यूजिंग काउंटिंग चेम्बर। प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड कंटेन्स पोर्सिन हाइड्रोक्लोराइड विच पार्शियली लाइजेस द रेड ब्लड सेल्स। द नंबर ऑफ सेल्स इन अनडाइल्यूटेड ब्लड इज कैलकुलेटेड। ब्लड को डाइल्यूट करेंगे 1:200 के रेशो में और उसे हम काउंट करेंगे 40x में जो कि हाई पावर है। प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूड में पोर्सिन हाइड्रोक्लोराइड रिएजेंट रहता है जो कि RBC को लाइसिस करता है। तो ये था प्रिंसिपल प्लेटलेट का। उसके बाद हम सैंपल यूज़ करते हैं जो कि EDTA एंटी कोएगुलेटेड ब्लड लगता है। उसके लिए फास्टिंग ज़रूरी नहीं है, वो कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद मटेरियल क्या क्या लगता है, EDTA, माइक्रोस्कोप, न्यूबर चेम्बर, RBC पिपेट, प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूड, सोडियम क्लोराइड, पोरसिन हाइड्रोक्लोराइड, डिस्टिल वाटर एंड वॉट्समन फिल्टर पेपर। उसके बाद हम देखेंगे प्रोसीजर। ब्लड को एंटीकोएगुलेटेड ब्लड को केयरफुली मिक्स करेंगे। हम यहाँ पे RBC पिपेट यूज़ करेंगे। RBC पिपेट में 0.5 तक हम ब्लड लेंगे। RBC पिपेट में तीन मार्क्स रहते हैं, 0.5, 1.0 और 101, ठीक है। पिपेट के बाहर जो ब्लड लगा हुआ है हम उसको साफ करेंगे कॉटन से। उसके बाद हम RBC के ही पिपेट से डाइल्यूटिंग फ्लूड लेंगे 101 मार्क तक। मैंने बताया आपको कि हम ब्लड 0.5 मार्क तक लेंगे और डाइल्यूटिंग फ्लूड लेंगे प्लेटलेट का 101 तक। तो फिर ये डाइल्यूट हो जाएगा 1:200 के रेशो में, ठीक है। उसके बाद मिक्सिंग के लिए हम पिपेट को रोटेट करेंगे। RBC पिपेट में एक लार्ज बल्ब रहता है जिसमें रेड ग्रॉस बीड रहता है, रेड कलर का ऐसा एक बीड रहता है। उसकी हेल्प से वो हम मिक्स कर सकते हैं प्रॉपर हॉरिजॉन्टली। पिपेट पकड़ के उसको प्रॉपर मिक्स करेंगे। 5 मिनट तक हम उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद जो पहला ड्रॉप है हम उसे खाली जाने देंगे और एक छोटा ड्रॉप हम काउंटिंग चेम्बर पे डालेंगे न्यूबर चेम्बर में और उसके ऊपर हम कवर स्लिप रखेंगे पिपेट के मदद से ताकि उसमें बबल्स ना आए। 15 मिनट के लिए उसके ऊपर हम मॉइस्ट फिल्टर पेपर रखेंगे। फिर हम न्यूबर चेम्बर को माइक्रोस्कोप में देखेंगे। पहले तो हम उसको लो पावर में देखेंगे और उसके बाद हाई पावर में देखेंगे। फिर काउंट करेंगे प्लेटलेट 4 कॉर्नर में 1 सेंटर स्क्वायर में। फिर देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे रहेगा। प्लेटलेट पर क्यूबिक mm, नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंटेड इनटू डाइल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। हमने डाइल्यूटेड करके सैंपल डाला था तो इसमें आएगा डाइल्यूशन 200, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इक्वल टू 1:0.1 क्यूबिक mm, नंबर ऑफ रेड सेल काउंटेड। ये हमें नंबर ऑफ रेड सेल काउंटेड ये गलती से लिखा है, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंटेड, ओके। फिर ये फॉर्मूला है जो कि हम कैलकुलेशन करेंगे। प्लेटलेट पर क्यूबिक mm इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेटलेट जो कि हम काउंट करेंगे न्यूबर्स चेम्बर में इनटू 200 जो डाइल्यूशन किया है हमने और अपॉन 0.1 वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। 1:200 का डाइल्यूशन किया था तो ये डाइल्यूशन 200 और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड 1:0.1 से इसके कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 क्यूबिक mm हमें मिलेगा। तो फिर हम यहाँ पे लेंगे कि 0.1 और उसके बाद नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंटेड इनटू 2000। अब हम इसको एक बार करके देखेंगे। हम सोचेंगे कि हमें प्लेटलेट जो हमने काउंट किए हैं वो हमें 52 मिले हैं प्लेटलेट काउंट। तो हम यहाँ पे करके देखेंगे नंबर ऑफ प्लेटलेट
52 × 200 अपॉन 0.1। इसको हम ऐसे लिखेंगे 52 अपॉन 0.1 इंटू 200। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर हमें मिलेंगे 52 × 200 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 104,000 क्यूबिक mm। 52 × यहाँ पे आएगा 2000 और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी 104,000 क्यूबिक। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 250,000 to 5 lakh पर क्यूबिक mm। ठीक है, तो हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। ज़्यादातर ब्लीडिंग डिसऑर्डर में प्लेटलेट काउंट चेक कर, अगर नॉर्मल वैल्यू से प्लेटलेट काउंट कम हो तो हम उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं और अगर नॉर्मल वैल्यू से प्लेटलेट काउंट हाई हो तो हम उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। प्लेटलेट काउंट अप्लास्टिक एनीमिया और मेगालोप्लास्टिक एनीमिया भी फाउंड होते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।